सत्ता तो अयोध्या में राम का मंदिर बनाने के लिए दी थी, सत्ता तो कश्मीर के हिंदुओं को बसाकर पाकिस्तान का झंडा लहराने वालों की छातियों में पुलिस की गोलियां दागने के लिए दी थी, भाजपा के लाखों कार्यकर्ता के खून पसीनों पर आपके हाथ में सत्ता आई, तब महत्व दे रहे सपा बसपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, अपमानित कर रहे हैं भाजपा के मूल के कार्यकर्ताओं को। भाजपा के कार्यकर्ता को वो भूल गए, कश्मीर के हिंदुओं को भूलकर रमजान में पाकिस्तान के झंडे लहराने वालों की छातियों में गोली न लगे उनकी चिंता करने लगे। कल तक तो कश्मीर के हिंदुओं के लिए रोते थे, अब तो रमजान में पाकिस्तान वालियों को गोली न लगे इसलिए रोने लगे। हिंदुओं का खोया हुआ गौरव पुनः वापस मिलेगा, वैभव भी आएगा। मेरे भाइयों, इतिहास में कभी निर्णय करना होता है हिंदू जाति की, हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए कर्ज मुक्त किसान। यह आवाज हमारी 23 शताब्दी की है, यह 100 पीढ़ियों की अंतरात्मा की आवाज हमारी उठ रही है। आवाज दबा दी, उसने वादा खिलाफी कर दिया। रास्ता आप लोग क्या नजर आता है? मैंने 450 वर्षों में अनेक बार मीटिंगों में संघ के लोगों सहित प्रयास किया कि वादा का पालन करें, संसद में कानून बनाए। तब तो ना नहीं बोल रहे थे, करेंगे ऐसा कह रहे थे। सितंबर महीनों में उन्होंने वादा खिलाफी की, संसद में कानून नहीं बनेगा और आप भी संसद में कानून बनाने की बात छोड़ दो। मैंने कहा कि आप वादा खिलाफी कर रहे हो, हमसे क्यों करवाते हो? हम तो सत्ता के गुलाम नहीं हैं, हम तो हिंदू जनता के सेवक हैं। इसलिए सभी प्रयास करने के बाद अब एक ही रास्ता रहा कि कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार को जगाए और देश के 100 करोड़ हिंदू और लाखों आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता ने जो विचार के लिए बलिदान दिया है, उन सब की इच्छा पूरी करने के लिए 21 अक्टूबर हम लखनऊ से अयोध्या कूच करेंगे। और मैंने बताया ये कूच तक सीमित नहीं रहेगा, यह अभियान भारत में लाखों गाँव में फैल जाएगा। या तो यह सरकार राम मंदिर का कानून बनाए या अगले चुनाव में राम मंदिर बनाने वाली सरकार बनवाएंगे। क्या कुछ कौन सा बीजेपी वाला कह रहा है कि संसद में कानून बताए, एक का नाम दो। उनकी जबान पर तो ताला लगा दिया है। बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता मानता है कि संसद में राम मंदिर का कानून बनना चाहिए, या हमारे बड़े भाई ने सबकी जबान पर ताला लगा दिया। कभी रावण ने ग्रहों को बंद किया था, बस ऐसे ही हमारे बड़े भाई ने भाजपा के कार्यकर्ता की जबान बंद कर दी है। आरो खबरेर अपडेट पेते सब्सक्राइब करुन आमादेर यूट्यूब चैनल टी और बेल आइकने क्लिक करुन नोटिफिकेशन्स पेते।